गाइज गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप सब लोग? होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अभी हम लोग निकल गए हैं शॉपिंग करने के लिए, तो हम लोगों को कुछ कपड़े वगैरह खरीदना है क्योंकि हम लोग वेकेशन में जा रहे हैं, उसके लिए नहीं। हमारे एक त्यौहार आने वाला है प्रथमाष्टमी नाम के, उड़ीसा में बहुत अच्छा फेमस होता है। जो भी घर में जो बड़े होते हैं उनके लिए नए कपड़े चाहिए होता है उस दिन में पहनने के लिए, तो हम लोग वहाँ पे जा रहे, तो वहाँ पे पता नहीं टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा शॉपिंग के लिए। तो यही से एक एक जोड़े कपड़े जो है हम तीनों के लिए, तो वो लेके हम लोग जाएंगे। और रास्ते पे जाते जाते यहाँ पे एक सेल लगा हुआ है और इसका नाम है देखो ब्रांड लेस, शायद ये अभी ओपन हुआ है, एक दो दिन हुआ है। और यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे हैं, अच्छा कपड़ा होगा तभी लेंगे, अगर पसंद आएगा तब लेंगे, नहीं तो फिर हम लोग विशाल जाने वाले हैं और उसके बाद फिर जाएंगे ट्रेन में। तो और रोहित के लिए विशाल में अगर कपड़े मिलेगा तो ले लेंगे, नहीं तो फिर हमें जाना पड़ेगा बेबी हग। तो यहाँ पे ओपन हुआ है एक न्यू शोरूम, आज अगर टाइम नहीं मिलेगा तो फिर नेक्स्ट टाइम देख लेंगे। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कपड़े है, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, अच्छा है कपड़ा, बट राजीव को पसंद नहीं आया, बोले नहीं यार, और ब्रांडेड कपड़े उनको पसंद है, मुझे भी। तो हम बहुत कम शॉपिंग करते हैं और जब करते हैं ब्रांडेड ही करते हैं। और यहाँ पे हम लोग आके पहुँच गए विशाल में, रोहित आगे आगे जा रहे हैं, उसको खिलौना लेना है। जब भी विशाल आता है ना तो कुछ ना कुछ खिलौना उसको लेना होता है। तो चलिए गाइस अंदर में घूम के, राजीव के लिए बस एक टी शर्ट लेना है हमें और कुछ नहीं। यहाँ पे देखो सनग्लासेस नहीं है। और हो गया हमारा शॉपिंग, यहाँ पे एक ये वाला एक बास्केट लिया मैंने और रोहित एक गन लिया खिलौना उसका, बस वही, और एक टी शर्ट लेके हम तुरंत ही चले आए क्योंकि टाइम भी हो गया है, 8:30 बज गया है। और यहाँ से हमें जाना है ट्रेन, रिलायंस ट्रेन, वहाँ पे जो भी कपड़े मिलता है मुझे अच्छा लगता है। और यहाँ पे हम लोग आके पहुँच गए ट्रेंड्स ओमेन, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और अंदर जाके फिर जो भी कपड़े मुझे लेना है वो मैं ले लूँगी पटापट से, और फिर हम लोग घर के लिए निकल जाएंगे। यहाँ पे मैं आप लोग को दिखाता हूँ कितने अच्छे अच्छे कपड़े हैं, यहाँ पे आपको अच्छे प्राइस मिल जाएंगे। ये वाला कपड़ा मुझे पहले पसंद आ रहा था और फिर घूम फिर के ये वाला जो है यहाँ पे पड़ा है वो ये वाला मैं लेके आई हूँ। मैं घर पे जाके आप लोगों को दिखाऊंगी हम लोग क्या क्या लेके आए हैं और क्या क्या नहीं। रोहित यहाँ पे थोड़ा एंजॉय कर रहा है, मस्ती कर रहा है, डांस कर रहा है, यहाँ पे म्यूजिक चल रहा है ना इसलिए। और अभी बिल हो रहा है मेरा, लेके हम लोग चले जाएंगे घर पे। और यहाँ पे डोसा लेने के लिए आए, यहाँ पे इंडियन फूड चाट, यहाँ पे फूड कोर्ट यहाँ पे, बट यहाँ पे ना बैठ के खाने को मुझे बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे स्मेल आ रहा था। तो यहाँ पे लोग बीफ खाते हैं, केरला के लोग जो है ना वो बीफ खाते हैं, तो हिंदू लोग हम नहीं खाते हैं और हमें अच्छा भी नहीं लगता। तो यहाँ पे डोसा जो है हम घर पे लेके आ गए और घर पे खा लिए। ये रहा डोसा, चटनी और सांभर। हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज के इस वाले ब्लॉग में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ शॉपिंग। तो क्या क्या हम लोग शॉपिंग किए थे कल, स्टार्टिंग में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग शॉपिंग करने के लिए मार्केट में गए हुए और कहाँ कहाँ से शॉपिंग करके लेके आए। और तभी मैं आप लोग को दिखाऊंगी क्या क्या शॉपिंग करके लेके आई थी कल और उसका प्राइस क्या है। और हमारा वेकेशन का जो भी शॉपिंग वगैरह है वो सब हो चुका है, बस पैकिंग करना है उसको और सब रेडी हो गया है। कपड़े सारे मैंने वॉश करके प्रेस कर लिया हूँ और जूते वगैरह वो सब क्लीन हो गए, सब रेडी है। और ट्रैवल में जो भी स्नैक्स वगैरह लेना तो वो भी ले आए, मिठाई जो मैं बोल रही थी वो भी ले आए, सब ले आए। मैं अभी एक एक करके आप लोग को दिखाऊंगी, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये एक टी शर्ट है, ये राजीव का है, ये
ये 2 to 9 का हमने विशाल से लिया, कल हम विशाल गए थे तो पहले आपने देखा होगा, तो विशाल से ये लिया और उसके बाद ये मैं दिखाती हूँ। ये है 399 का और हमें मिल गया ये 299 का, इसका ऑफर प्राइस था। एक बास्केट है तो ऐसे ये ओपन होता है इस साइड, ये वाला बास्केट में लेके आई हूँ कैंटीन का जो भी सामान है इधर उधर घूमता रहता है उसको इसमें रखने के लिए। उसके बाद ये रही, ये मेरी कपड़े है, ये मैं ट्रेंड से लिया हूँ, रिलायंस ट्रेंड जो है वहां से लिया हूँ। इसका प्राइस है 699, तो यहाँ पे रिलायंस ट्रेंड का है, अच्छा है, मस्त है, इसका जो कपड़ा है मस्त है एकदम, कलर भी अच्छा लग रहा है, प्यारा सा कलर है। और इसके साथ ये एक पैंट मैंने ले आया हूँ, एंकल लेंथ का ये पैंट मैंने ले आया हूँ और इसका प्राइस है 399 का है, इसका प्राइस है। सेम कलर का। एक्चुअली ये जो कपड़े हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं, उड़ीसा का के त्यौहार आने वाला है प्रथमाष्टमी बोल के, तो इस त्यौहार में मेरी मायके से आता है मतलब कपड़े मेरे लिए और रोहित के लिए, तो ये वाला शॉपिंग जो है मेरी मायके के पैसे से हुआ है, तो हम तीनों के लिए एक एक नए कपड़े जो है वो पहनने के लिए। प्रथमाष्टमी जो है 16 तारीख को है तो आने वाला है, तो हम लोग जा रहे हैं तो पता नहीं कपड़े खरीदने के लिए टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, तो इसलिए हमने यही से कपड़े जो है खरीद के ले रहे हैं। और मेन जो है रोहित का हमने कल विशाल गए थे तो वहाँ पे हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगा, एक साइज तो नहीं मिला और कपड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, इसलिए हम आज ही जाएंगे, शाम को जाएंगे। यहाँ पे फर्स्ट क्राई का जो बेबी हॉक जो ब्रांड है उसी का एक बड़ा सा शोरूम यहाँ पे ओपन हुआ है, वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा रोहित का, तो मैं लेके आऊँगी वो भी आप लोगों को दिखा दूँगी। मैंने आप लोगों को बोला था कि मिठाई लेके जाएंगे उनके घर में, तो राजीव ने लेके आ गए, ये कैंडिन से मिल रहा है ये वाला हल्दीराम का रसगुल्ला डेलीशियस एंड स्पाइस स्पॉन्जी, तो ये मेड फ्रॉम काउ मिल्क, ये एक है दो वाला है, ये है रसगुल्ला तो इंडियन स्वीट्स जो है, और ये है गुलाब जामुन पतंजलि का, ये आप देख सकते हो ऐसे पैकिंग हुआ है, ये पूरा पैक हुआ है, अंदर डब्बा होगा, और ये है पतंजलि का, इसका प्राइस मैं बता देता हूँ आपको, बट कैंटीन में थोड़ा कम रेट में मिला होगा। इसका प्राइस कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है नहीं 4 16 पीसेस लिखा है, बापरे बहुत ज़्यादा तो हो गया, यहाँ पे नीचे लिखा है इसका प्राइस 185 लिखा है, बट 160 कुछ लिया हुआ, 120 लिया हुआ बता रहे थे राजीव ने, तो 120 लिया हुआ है ये 120 और ये भी 120 का है ये दोनों, बट 16 पीसेस है इसमें रसगुल्ला जो है। और ये है पतंजलि का गुलाब जामुन, इसमें क्या इसका प्राइस दिखता हूँ कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे होगा, यहाँ इसमें 12 पीसेस और इसका प्राइस 200 लिखा है इसका प्राइस, बट 160 लिया है ये, इसमें दो ये 12 पीस, ये 12 पीस, ये 16 16 पीस इतना है। इतना सारा सामान जो मंचिंग का सामान है वो हम लोग ट्रैवल में खाने के लिए ले रहे हैं, जो चिप्स हो गया और बस मिठाई और चॉकलेट जो है उनके घर के लिए है, और जो है वो हम ट्रेन में खा लेंगे, हम लोग ट्रेन में जाने वाले हैं। तो ये गाइस बस सब कुछ रेडी हो गया, बस बैग जो है वो पैक करना बाकी है, यही है, ठीक है,
इस वाले छोटा सा ब्लॉग को करते हुए एंड मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।